हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी सब ठीक है। चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7 बजे से मॉर्निंग टाइम में। तो आप लोग आज का मौसम देखिए। तो गाइज आप लोग आज का मौसम देखिए। तो गाइज आज जा रही हूँ मैं दमकोंडे, वहाँ मैं डेयरी में दूध पहुँचाने जा रही हूँ। आप लोग बने रहे आगे भी। ये देखिए मैं जाने लग गई वहाँ जाके। रास्ते में मैं एक मकान पड़ता है वहाँ का खेत दिखाऊंगी आप लोगों को। तो गाइस ये है कष्टिता का खेत, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहाना लग रहा है। तो यही है उनका मकान, वो कनालछिना में शिशु मंदिर में पढ़ाते हैं। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है उनका मकान और खेत, कितना सुहाना लग रहा है। वहीं से धमकोड़े का नज़र भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो गाइस ये है कुछ तस्वीरें, देख लीजिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। वो वहाँ के दूर के गांव भी दिखाई दे रहे हैं। ये है पहाड़ों की खूबसूरती, ये देखिए कितना सुंदर, कितना सुहाना, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी आप लोगों को दिखाई दे रहा, वो पास के गांव भी दिखाई दे रहे होंगे, वो वहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। यही है पहाड़ों की खूबसूरती, यही है पहाड़ों में रहने वालों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग देखते रहना, बने रहना हमारे चैनल पर। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। ये देखिए, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं जाती हूँ ऊपर, ऊपर जाके आप लोगों को डेयरी भी दिखाऊंगी और कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगी, मकान भी दिखाऊंगी वहाँ के और दुकान भी दिखाऊंगी वहाँ के दमकोड़े के। ये है हमारी गांव की डेयरी, आप लोग देख सकते हो। इसका नाम है पंगज, वैसे इसको बबलू भी बुलाते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, देखिए तो लोग भी आ रखे हैं दूध पहुंचाने के लिए। ये इन घरों में आजकल कोई नहीं रहता है, खाली पड़ रखे हैं। ये देखिए वो ऊपर वाला मकान है जो दिखाई दे रहा है, उसका मकान, इसका मकान है पंगज का मकान। यहाँ पर भी कोई नहीं बैठता है, इसने साथ साथ ही दुकान भी डाल रखा है, डाल रखी है और डेयरी का काम भी करता है ये। ये देखिए आप लोग देखिए और इन्जॉय लिए, कैसा लगा हमारा गांव का डेयरी ये बताइए हमको, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप। मैं पहुंच गई हूं घर। घर पहुंच के मैंने सारे काम कर दिए, बच्चों को नहलाना धोलाना, झाड़ो पोछा और गाय को बाहर बांधना, सब सारे काम कर दिए। हम लोगों ने डिनर भी कर दिए। उसके बाद आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ बताती हूं। तो आज आ रहे हैं हमारे मम्मी जी के भटोले, तो इस महीने ना हम तो गाइस आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज़ देती हूँ। आज आ रहे मम्मी जी के भटोले, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अम्मा जी आ रहे करके, तो मम्मी जी भी बहुत खुश है, बच्चे भी खुश है। इस महीने ना पहाड़ों में ये रिवाज होता है कि अपनी बेटी और बहनी को ये रिवाज, बहनी को देते हैं भटोले। तो मेरे को तो बहुत खुशी लग रही है कि आमा हारे करके। तो आप लोगों के आप लोग हमारे साथ बने रहे आगे भी।
गाइज मैं जा रही हूँ अम्मा को लेने के लिए ऊपर, और साथ साथ ही हमने गेहूँ भी मंगा रखा है, यहाँ गेहूँ भी मंगा रखा है, तो आप लोगों को मिलती हूँ ऊपर जाके अम्मा के लोगों के साथ। तो गाइज ये है हमारी अम्मा जी, ये जा रहे हैं घर की तरफ, मैं जाती हूँ ऊपर रोड में, आप लोग बने रहे। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ रोड में, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी वाला चला गया था घर को, यहाँ पर रखा है हमारे गेहूँ, ये देख लीजिए आप, ये है हमारे गेहूँ, तो इसको मैं खोलती हूँ। तो मैंने कर ली है गेहूँ को आधा आधा, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए अब मैं इनको घर ले जाऊँगी, आप लोग देखो। तो हम लोग तो गेहूँ लेते हैं, आप लोग क्या लेते हैं ये भी बता देना कमेंट में। हमारे घर में चक्की है तो इसीलिए हम गेहूँ लेते हैं, जो बचा कुचा राशन है वो गाय के काम लग जाता है, जो अच्छा है हम लोग खाते हैं। किसी किसी सीज़न में तो हमारे घर में हो जाते हैं गेहूँ, जिस सीज़न में बारिश होती है, किसी सीज़न में नहीं होते हैं गेहूँ, तो हम बाज़ार से मंगाते हैं, जो बचा कुचा होता है वो कहीं के काम लग जाता है। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, आप लोग देख सकते हो, अब मैं आप लोगों को सबके साथ मुलाकात करवाती हूँ, देख लेना अब आप लोग। हाँ तो मैं घर पहुंच गई हूँ, आप लोगों को दिखाते हैं, ये है मेरे पापा जी, ये है मेरी बेटी, ये चल नहीं पाती है तो ये बैठ बैठ के चल रही है, खड़ी होके नहीं चल पा रही है, ये देखिए, ये मेरे पापा जी खा रहे हैं कुरकुरा, अम्मा लेके आए होंगे बच्चों के लिए, तो वो भी खा लेते हैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा। तो आप लोगों को मैं अम्मा लोगों के साथ मिलवाती हूँ, आप लोग चलिए, ये है हमारा गोठ। तो आप लोग मम्मी और अम्मा जी की बात सुन लीजिए। तो गाइज वो लोग मेरे से कह रहे थे गेहूँ कैसे मिले करके, तो मैंने बता दिया उन लोगों को ऐसे मिले करके, हर बार हम गेहूँ खरीद लेते तो कभी अच्छे मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, इसी बारे में वो लोग बात कर रहे थे। आप लोग आगे भी बने रहना इसी चैनल पर। तो गाइज ये है मम्मी जी का बेटोला, आप लोग देख सकते हो, ये है मिठाई, ये तो ये है साड़ी, मम्मी जी के लिए साड़ी ले रखा है अम्मा ने, इसमें है टमाटर, देख लीजिए ये टमाटर भी ले रखा है अम्मा ने, ये है तेल भी ले रखा है, ये है आलू भी ले रखे है, ये देख लीजिए आप, ये पहाड़ों के रिवाज है, ये पहाड़ों में ऐसे चीज़ लेके आते हैं। तो मेरी छोटी बेटी मम्मी और नानी जी को प्रणाम करने गई है। खा लिया था खाना, तो मैं शाम के टाइम में ब्लॉग बनाने नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटी नहीं सोई थी, वो मेरे को कुछ करने नहीं देती है, तो मैं नहीं बना पाई। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज कैसी लगती है बता देना, कमेंट करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, तो हम लोगों ने भी खा लिया, तो आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय।